Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3 of exercise 9.5, class 6. Tick in the boxes if the property holds true for a particular quadrilateral, otherwise cross out X. Matlab cross ka sign laga do. First property hai, all sides are equal. Ab rectangle ki to sari sides equal nahi hoti, opposite sides equal hoti hai, but charo sides equal nahi hoti, to yahan par hum laga denge cross. Similarly, parallelogram ke case mein bhi opposite sides equal hoti hain length mein, but charo sides equal nahi hoti. To yahan par bhi lagega cross. Rhombus ki charo sides hoti hain equal. So therefore, yahan par hum tick mark laga denge. Trapezium mein bhi sides equal nahi hoti, yahan par bhi lagega cross. Square ki bhi charo sides equal hoti hain, to yahan par hum laga denge tick. Next property hai, only opposite sides are equal. अब only opposite sides are equal ये true होता है rectangle के case में, ये true होता है parallelogram के case में. Rhombus के case में ये true नहीं होता क्योंकि property में क्या लिखा हुआ है only opposite sides are equal. तो rhombus के case में तो चारों sides equal होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम cross लगा देंगे. अब trapezium के case में भी ये वाली property true hold नहीं करती, तो यहाँ पर भी cross लगेगा. स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां पर भी क्रॉस लगेगा. नेक्स्ट है डायगोनल्स आर इक्वल. सो रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं. अब पैरेललोग्राम के केस में भी डायगोनल्स इक्वल हों, ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड नहीं करती है, ठीक है. सो यहां पर भी लगेगा क्रॉस. सो सिमिलरली रोम्बस के केस में भी डायगोनल्स इक्वल हों, ये प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड नहीं करती, तो यहां पर भी लगेगा क्रॉस. सिमिलरली ट्रेपेजियम के केस में भी क्रॉस लगेगा. स्क्वायर के केस में डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, सो यहां पर लगेगा टिक. नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो रेक्टेंगल के केस में भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के केस में भी बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के केस में भी बाइसेक्ट करते हैं, ट्रेपेजियम के केस में बाइसेक्ट नहीं करते, स्क्वायर के केस में भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स में कंडीशन ट्रू होती है. सो रेक्टेंगल के केस में भी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते, पैरेललोग्राम में भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते, रोम्बस के केस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ट्रेपेजियम में भी इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे नहीं करते, स्क्वायर के केस में भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, पैरेललोग्राम के केस में भी ये कंडीशन ट्रू होल्ड नहीं करती क्योंकि जिस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो वो बन जाती है रेक्टेंगल. सिमिलरली रोम्बस के केस में भी ये कंडीशन ट्रू होल्ड नहीं करती, जिस रोम्बस में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर. ट्रेपेजियम के केस में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते, स्क्वायर के केस में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय.